पिछले हफ्ते दोस्तों कंटिन्यू 5 दिन प्रॉफिट करके हमने एक रिकॉर्ड बनाया था और उस रिकॉर्ड को कंटिन्यू करते हुए आज का दिन का शुरुआत हो चुका है दोस्तों। और उस जर्नी में अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो अभी कभी जाइए मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन टेलीग्राम बोल के क्लियर लिख दिया हूँ, कॉमेंट में दोस्तों पिन कर दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन लेवल मैंने सही दिया था, फ्री में ट्रेड देता हूँ दोस्तों। और आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, दोनों तरफ हमने खेल लिया पूरे के पूरे दोस्तों। पहला ट्रेड जरा देखिए, 10:11 पे आता है कि 19,750 के ऊपर अगर जाएगा निफ्टी को बाय कीजिए, कॉल खरीद लीजिए 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, क्रिस्टल क्लियर मैंने लिख दिया। और जो मेरा फेवरेट पैटर्न दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था ना, उसी हिसाब से ट्रेड दिया, यानी कि तुक्का नहीं मार रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं दोस्तों लाइव मार्केट में। और होना क्या था, प्रैक्टिकल दोस्तों ये सब होता है। जैसे ही मेरे लेवल को ब्रेकआउट किया, बूम पूरे के पूरे, और इस हिसाब से मैं अपने क्वालिटीज वाले ग्रुप पे कॉल भी दिया और 19,698 के नीचे दोस्तों सेल करने के लिए बोला था। यहां पे भी हमने एक स्केल्पिंग मूव पकड़ा और डेफिनेटली क्वालिटी वाले ग्रुप पे दोनों तरफ हमने किया दोस्तों। जो पहला कॉल था 19,550 का कॉल 252 से वो 278 हाई मारा, जो डब्ल्यू पैटर्न बन के गया था। और पुट के तरफ दोस्तों मेरे लेवल ब्रेकडाउन होने से पहले दे दिया था अपने पेड वाले ग्रुप पे 19,950 का पुट, जो कि 250 से 278 गया, यानी कि 3 लॉट पे दोस्तों दोनों मिला के 8,000 से ज्यादा प्रॉफिट। और आज के दिन अगर देखेंगे, लिटरली कहना चाहूंगा दोस्तों, जो सच्चाई है ना, जो ऑनेस्टी है, यानी कि जो मैंने कॉल दिया 19,550 का कॉल दिया था, 2,977 से ज्यादा प्रॉफिट। यहां पे देख लीजिए दोनों स्ट्राइक प्राइस 19,550, 19,950 का पुट, दोनों में दोस्तों प्रॉफिट करके रखें 4,000 से ज्यादा। और कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा के देखें, ये देखिए दोनों में एक एक लॉट पे 2,000 छाप रहे, एक एक लॉट पे, ये सारे दोस्तों सिंगल लॉट पे देखिए, एक एक लॉट पे 2,745 का प्रॉफिट। सेम स्ट्राइक प्राइस दोस्तों दोनों को मैच कीजिए, यानी कि जो क्वालिटी दिया गया भर भर के सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ प्रूफ के साथ भेजता हूं, तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, यार मेरे फेवरेट है यार। कल के दिन एक्सपायरी है, 20,300 का पुट दिया था पिछली बार, याद कीजिए 53 रुपए से 127 रुपए पैसा डबल किया था और लेवल भी दोस्तों ब्लास्ट किया था, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन चेन। आहा, क्योंकि जो दोस्तों हम मजाक उड़ा रहे थे ना कॉल राइटर का, कॉल राइटर बोले रुको बेटा रुको, अगले हफ्ते तुम्हें देखता हूं, तू रुक बेटा बोला। और डेफिनेटली दोस्तों इस हफ्ते हमें मजा चखाया, डेफिनेटली ये हालत इतनी बुरी, इतनी बदतर हालत पुट राइटर का नहीं होना था। डिस्कस करेंगे आएंगे टॉपिक पे, तो चलिए सीधे हम फटाफट चालू करते हैं दोस्तों। ओके, बैंक निफ्टी का फटाफट देख लेते हैं। देखिए अगर अगले दिन, कल के दिन अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुला और 45,839 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाना चालू किया, डेफिनेटली पुट बाय कीजिए। इसके पीछे दोस्तों रीजन मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड भाई, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो ना, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, अभी कभी कीजिए। मुझे नहीं पता यार, मैं तो कट्टी हो जाऊंगा, अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, मैं बुरा मान जाऊंगा सच में। तो सिंपल बात है दोस्तों, कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला और 45,839 के नीचे जाना चालू किया बैंक निफ्टी, आराम से पुट बाय कीजिए, प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए आप खुद देख लीजिए, स्ट्रक्चर आपको बता देगा। एक बच्चे को भी पता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है इसी हिसाब से जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और जब मार्केट नीचे आ जाए तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के आता है। ओके, यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या बन रहा है, एक बच्चे को भी पूछूंगा तब भी आप वो बता देगा कि यार यहां पे डेफिनेटली प्राइस को अगर देखेंगे, यहां पे देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो और एक लोअर लो लगाना बाकी है, यानी कि जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो धीरे 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 डाउन की तरफ जा रहा है। तो 45,839 लेवल ही मैंने क्यों दिया, अब इसके पीछे भी रीजन बता देता हूं मैं आपको। इसके पीछे रीजन देखिए, 45,839 का अगर आप लेवल देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस था करेक्ट, ये एक रेजिस्टेंस था, यहां पे देखेंगे ये भी एक रेजिस्टेंस था करेक्ट। इसी रेजिस्टेंस को अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी ने यहां पे ब्रेकआउट दिया और यहां से सू करके ऊपर भागा। ये मूव हमने कैच किया है भाई, 383 पॉइंट प्रॉफिट हमने किया है। सारा दिन का ट्रेड मुझे याद है, ये मूव हमने फ्री वाले ग्रुप पे भी दिया था, तो ये मूव हमने कैच किया था। तो पहले रेजिस्टेंस था, अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर भागा, अब वही रेजिस्टेंस अब बन चुका है सपोर्ट, जो कि आज के दिन इसी एरिया के आसपास टेस्ट भी हुआ है। तो सिंपल बात है दोस्तों, इसी सपोर्ट के नीचे कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन खुल के जैसे ही नीचे आना चालू कर देगा, डेफिनेटली हमें पुट बाय करना है, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा रहा है, यानी कि जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। बाइंग की अगर मैं बात करूं, अच्छा मोमेंट मिल सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी अगर गलती से शॉर्ट कवरिंग आ गया ना, तो भाई कॉल एडर जो अभी हंस रहे हो ना ऑप्शन चेन पे, देखता हूं रुको मैं कल तुम लोगों को, अगर कल के दिन गैप अप खुला
शॉर्ट कवरिंग आया, खत्म कॉल राइटर, क्या हालत होगा देखते हैं। जो कि हालत हुआ है पिछले 4-5 दिन से, अब थोड़ा नीचे आ गया तो थोड़ा एटीट्यूड बढ़ गया है कॉल राइटर का। तो कल के दिन दोस्तों अगर फ्लैट या फिर गैपअप खुला और 46,058 इस लेवल के ऊपर जाना चालू किया, डेफिनेटली आपको अपसाइड की मूव देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन अच्छे से करना चाहिए, ब्रेकआउट करते ही बाय मत कर दीजिए। 46,058 के ऊपर अगर क्लियर कट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हायर हाई प्राइस एक्शन दिखा तो हम बाय करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, ऊपर से अगर देखेंगे ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को एक बार लाइक बैंक निफ्टी ने टच किया नीचे गया, यहां पे देखिए सेकंड टाइम टच किया नीचे गया, यहां पे देखिए थर्ड टाइम टच किया नीचे गया, यहां पे देखिए फोर्थ टाइम टच किया नीचे गया। तो ये कंप्लीटली एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और बहुत बार टच हो चुका है। तो कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुल के जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है हमें ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखेगा और जो प्रीवियस हमारा स्विंग है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर देगा। यानी कि ये जो हमारा हाई अब अगर आप देख रहे हैं ना, ये हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, आप समझ पा रहे हैं, लोअर लो कंटिन्यूसली बन रहा है, यानी कि इस हाई के ऊपर कभी प्राइस सस्टेन नहीं किया है, ऊपर नहीं गया, यानी कंटिन्यूसली लोअर लो बन रहा है। तो कल के दिन इसी ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो 46,000 तो एक राउंड लेवल है ही है, वो तो सोने पे सुहागा और ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस हमारा जो लेवल है वो भी ब्रेकआउट कर देगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब 45,900 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर, ये पुट राइटर, इनका काम रेजिस्टेंस क्रिएट करना, इनका काम सपोर्ट क्रिएट करना, और 45,900 यहां पे दोस्तों क्लोज दिया है। देखिए मुझे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, क्लियरली सामने है, गलती से गैप अप खुला, अब तो गया बेटा कॉल राइटर, पूरे के पूरे दोस्तों भागने वाले हैं लिटरली, और पुट राइटर वही बोल रहे हैं अब तो तू गया। कल के दिन अगर गैप अप खुला खत्म, टाटा बाय, क्योंकि 46,000 पे अगर देखेंगे 17,36,000 से ज्यादा कॉल राइटर ओआई चेंज, यानी कि आज के दिन एड हुए हैं दोस्तों, चेंज इन ओआई यहां पे दिखा रहा है 46,000 के लेवल पे 17,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर, बस खत्म, 46,000 के ऊपर गया तो कॉल बाय करना है सिंपली, ये सारे कॉल राइटर फंसेंगे। अगर नीचे की तरफ बात करूं नहीं, पुट राइटर का बैंड तो बचा है, क्योंकि 45,800 के लेवल से 1,00,000 से ज्यादा पुट राइटर भागते हुए दिखे, उसके नीचे भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, 5,00,000-2,00,000, यानी कि मार्केट नीचे साइड ज्यादा चांसेस हैं, गैप अप खुला तो बच जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का, उसके बाद जाएंगे फिर निफ्टी। देखिए कल के दिन समझ लीजिए निफ्टी फ्लैट है फिर गैप डाउन खुला और 19,658 के नीचे आया, क्लीन बोल्ड क्लीन रन डाउन साइड की तरफ है। अब निफ्टी का भी अगर स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, सेम स्ट्रक्चर दिखे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, देन न्यू लोअर लो। ओके तो ट्रेंड कंप्लीटली डाउन साइड है, यहां से तो पता चल रहा है, कोई शक नहीं है उसमें। तो कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुलना चाहिए, आज का दो हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट है दोस्तों, वो अगर टूट गया तो सीधे नीचे, और कल के दिन अगर गैप डाउन खुला 50-60 पॉइंट 70-80 पॉइंट अगर ज्यादा गैप डाउन खुल दिया तो वोलाटाइल होगा, क्योंकि नीचे के साइड अगर देखेंगे दोस्तों अच्छा खासा सपोर्ट है, 19,563 एक रेजिस्टेंस था जहां से सीधे मार्केट नीचे गिरा था, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर गया है, अब ये रेजिस्टेंस सब बन चुका है न्यू सपोर्ट। तो 19,563 के नीचे अगर कल के दिन गैप डाउन खुल के जाता है तो ही हमें डाउन साइड तरफ देखने को मिलेगा, और बाकी तो फ्लैट खुला तो मजा आएगा ट्रेड करने में। बाइंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल के दिन गैप अप अगर खुल गया ना, 50-60 पॉइंट का गैप अप यहां पे खुला, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड देन 19,780 के ऊपर जाता है तो हम कॉल एक बाय करेंगे, क्योंकि देखिए गैप अप खुल के डायरेक्ट अगर 5 मिनट का डेले से ब्रेकआउट दे रहा है मत करो भाई, आजकल मार्केट बड़ा फंसा रहा है, मैं कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो गैप अप खुल के अगर थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट किया, टाइम पास किया, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है 19,780 के ऊपर तो जरूर कॉल बाय कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे देखेंगे पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया डाउन, यहां पे देखिए सेकंड बार रेजिस्टेंस फेस किया डाउन, इसी एरिया के आसपास आज के दिन रेजिस्टेंस फेस किया डाउन। तो कल के दिन अगर इसके ऊपर निकलना चालू करना है तो बाय कीजिए, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहे हैं। क्लियर हो गया, 19,665 पे कहीं ना कहीं दोस्तों क्लोजिंग दिया है निफ्टी, अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, एंड 19,000 कहां पे 665 पे बेसिकली क्लोजिंग दिया है। तो देखिए ये वाले लेवल 19,650 ये पकड़ लीजिए। देखिए यहां पे क्लियरली पता चल रहा है दोस्तों निफ्टी कुछ ज्यादा उछल रहे हैं, कॉल राइटर कुछ ज्यादा उछल रहे हैं, 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है ना, वो सोच रही है यार हमारा टाइम आ गया। नहीं, कल के दिन अगर गैप अप खुला तो जो हंस रहे हो कॉल राइटर, आप, मैं सच में ये सरकसम में बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिए, मजाक उड़ाते हैं हम कॉल राइटर का। तो 19,700 पे अगर देखेंगे दोस्तों 62,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर, क्या बात है, 62,00,000, बाप रे बाप। 19,750 पे 27,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर, 19,800 पे 25,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर, 19,850 पे 18,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर। भाई
नहीं पढ़ सकता, मेरे मेरे पूरे के पूरे दोस्तों पाँव का अपने पढ़ते टाइम इतने बड़े बड़े नंबर, कल एक्सपायरी नहीं है कॉल राइटर, कहाँ चले आए यहाँ से, आज के आज के दिन से मुंह दिखाने चले आए कि भाई कल के दिन एक्सपायरी है, भाई कल एक्सपायरी नहीं है, इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। तो 19,750 के अगर कल के दिन ऊपर जाता है तो 62 लाख कॉल राइटर फंसेंगे, सॉरी 19,700 के ऊपर, और 750 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो ये 27 लाख जब कॉल राइटर फंसेंगे तो 62+27 मोटा मोटी 90 लाख से ऊपर हो जाता है, 1 करोड़ पकड़ लीजिए। तो जब 1 करोड़ कॉल राइटर फंसेंगे तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल के लिए रेजिस्टेंस है 19,700-19,750। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, नहीं पुट राइटर का बैंड बजाएं दोस्तों, 19,650 से 12 लाख पुट राइटर गायब होते हुए दिखे, 19,600 से अगर देखेंगे 2 लाख पुट राइटर गायब होते हुए दिखे, तो नीचे के लेवल से पुट राइटर है ही नहीं। अब क्या बताऊं मैं, उसके नीचे तो ओनली 8 लाख 6 लाख 7 लाख, नहीं मूड ऑफ कर दिया। और पुट राइटर अगर देखेंगे -14 लाख पुट राइटर भागे हैं, -12 लाख पुट राइटर देखिए सब माइनस में है, लाल पे दिख रहे हैं, -1 लाख सारे के सारे पुट राइटर भागे हैं। तो यहां से क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ यार डर है पुट राइटर में, गिर सकता है मार्केट, प्राइस एक्शन सही दिखा रहा है, बस एक ही कंडीशन में मार्केट कल के दिन बचेगा, बस गैप अप हो जाए। ये आप कहीं ना कहीं सोचिए कि यार मार्केट को ऊपर जाना है, कल बड़ा गैप अप खुलना चाहिए, गैप अप खुल के 15 मिनट सस्टेन हो गया तो ही शॉर्ट कवरिंग रैली आएगा, नहीं तो डाउन तो है दोस्तों, जो है वो है डाउन साइड की तरफ ही डाटा दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिननिफ्टी का, कल एक्सपायरी है तो इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। देखिए कल के दिन का सिंपल प्लान है दोस्तों, अगर कल के दिन फ्लैट है फिर गैप अप खुला, गैप अप खुल के एक कंडीशन याद रखिए, थोड़ा साइडवेज हुआ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर जब 20,564 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है फिननिफ्टी तो एक हीरो जीरो का कॉल खरीद सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉल भी खरीद सकते हैं 20,564 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन दोस्तों बहुत सिंपल है, 15 में टाइम फ्रेम पे मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ब्लू कलर का सिंपली ट्रेंड लाइन में खींच दिया, 15 में टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन फिन निफ्टी, सेकंड टाइम यहां पे देखेंगे डॉट रेजिस्टेंस डाउन, थर्ड टाइम यहां पे देखेंगे डॉट रेजिस्टेंस डाउन। तो कल के दिन क्लियर कट दोस्तों फ्लैट गैप अप खुला, और जैसे ही इसी ब्लू कलर का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट यहां पे देगा ना तो यहां पे दोस्तों ट्रेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट, ओके। और दूसरी बात, डबल टॉप जो बना है आखिर में एंडिंग होते हुए मार्केट 20,564 का लेवल देखेंगे, यहां पे पहला टॉप रेजिस्टेंस लिया, सेकंड बार भी यानी कि ऊपर गया डब की मतलब कहीं ना कहीं ऊपर गया रेजिस्टेंस टच किया नीचे आया फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस टच देन डाउन, तो एम पैटर्न भी बना चुका है, ऊपर से डबल टॉप बन चुका है। तो कल के दिन मजा आएगा, फ्लैट गैप अप खुला जैसे ही इसके ऊपर जाएगा कॉल बाय करेंगे। अब सीरियस बात करते हैं दोस्तों डाउन की तरफ, कल के दिन देखिए डाउन के लिए तो पूरा प्लानिंग बन चुका है दोस्तों, डाउन के लिए कोई मतलब कितना आपको लॉजिक दूं मैं, 1000 लॉजिक दे सकता हूं। तो कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला और 20,456 के नीचे आता है, 20,456 देन ओनली हम सेल करेंगे इसके नीचे आता है। तो इसके पीछे फर्स्ट रीजन अगर आप देखेंगे नीचे जाके नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पहली बार इसी ट्रेंड लाइन को फिर निफ्टी टच किया ऊपर गया, सेकंड टाइम टच किया ऊपर गया, ओके। अब दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन, ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर कल के दिन तोड़ देगा फिन निफ्टी तो नीचे आएगा, यानी कि ट्रेंड शिफ्ट होगा, जैसे ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन टूटेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होगा, नीचे टूटेगा तो नीचे की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होगा। ऊपर से 20,456 अगर देखेंगे कंप्लीटली एक सपोर्ट है, यानी कि 20,456 एक रेजिस्टेंस था, यहां पे देखेंगे एक बार टेस्ट किया रेजिस्टेंस, दो बार टेस्ट किया, ह्यूज फॉल आया यहां पे अगर देखेंगे। और याद कीजिए ये पिछले हफ्ते का एक्सपायरी है, लाइक 18 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, याद कीजिए यहां पे हमने एम पैटर्न पकड़ा था और यहां पे हमने 0 to 0 कॉल मैंने दिया था दोस्तों 20,300 का, तो वो जैकपॉट बना था, ये मूव को हमने पकड़ा था। तो ये कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके उस दिन उड़ गया फिर निफ्टी, अब यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, तो कल के दिन अगर इसके नीचे आएगा तो सेल करना है। और इसका भी अगर प्राइस एक्शन देखेंगे दोस्तों तो थोड़ा ढीला ढीला होते जा रहा है, यानी कि देखिए सिंपल बात है, यहां से अप की मूव दिया, यहां पे एक टॉप बनाया, अगले दिन इसी टॉप से अगर देखेंगे यहां पे एक डबल टॉप बनाया, ओके कंप्लीटली अगर देखेंगे एम टाइप का पैटर्न बना रहा है, और जब से डबल टॉप बनाया इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं पाया, इसके बाद अगर देखेंगे कहानी धीरे धीरे नीचे ऊपर तो लोअर लो लाइक दिस, इस टाइप का मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो कल अगर इस स्विंग के नीचे निकलता है तो एक सेल के साइड कर सकते हैं, न्यू लो हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लॉजिकल लगा तो ही लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल के दिन एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मैं अपलोड किया हूं, उसको जाके अभी कभी देखिए, आप जाइए अभी यूट्यूब चैनल पर कल के दिन क्लिक कीजिए और कल के दिन का वीडियो देखिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कल शाम
पांच बजे के आसपास अपलोड किया हूं। बहुत बढ़िया वीडियो है, एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, आप कह सकते हैं कैसे आप मेरे लेवल से या फिर कैसे आप ग्रो कर सकते हैं अपने कैपिटल को। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल के दिन, और जो भी क्वेश्चन आंसर है आप कमेंट में बताइए, मैं कल के दिन रिप्लाई देने वाला हूं। कुछ बाकी रह गया जो कि डेफिनेटली मैं कल के दिन देने वाला हूं, प्रॉमिस। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।